भाई ये सब का, लेकिन एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आदत डाल लो। मैं तो पहले भी बोल रहा था, अभी आदत डाल लो, ये सब आने वाले, ये सब आने। मैं ऑफिशियल की बात कर रहा हूँ, ऑफिशियल न्यूज़ की बात कर रहा हूँ। ऐसे सब बड़े न्यूज़, बड़े बड़े चीज़ें अभी होने वाली है। एसआरकेएंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ, शाहरुख खान के फैंस के साथ मैं बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल लोग जो शाहरुख खान को पसंद करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये आदत डाल लो, ये सब आदत डाल लो। अभी जस्ट नाउ एक रिपोर्ट आया है कि ये एक्चुअली बहुत साल पहले भी हुआ था, ये 2-2.5 साल या 3 साल पहले भी ये रिपोर्ट आया था कि शंकर, जो कि तमिल सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर शंकर, उन्होंने अप्रोच किया शाहरुख खान को फॉर अंडर वाटर फिल्म, जिसमें कि कुछ तो ऑक्टोपस वगैरह ऐसा कुछ भी एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स बाहर आए थे, लाइक इस क्राइटेरिया पे फिल्म बनेगी वगैरह वगैरह कुछ तो हुआ था। तो वो अंडर वाटर वाला सीक्वेंस काइंड ऑफ फिल्म बनेगी, वो तो उस टाइम पे हुआ था, न्यूज़ ब्रेक हुआ था, हंगामा मच गया था सब जगह पे, बवाल मच गया था। तो वो सब फिल्म तो उस टाइम पे साइन नहीं किया, वो अलग बात है। वो बाद में उस चीज़ को फिर से, अभी हंगामा हो रहा है अभी सब जगह पे, वो बॉलीवुड समथिंग कौन है यार, वो तमिल साउथ सिनेमा के कुछ कोई पेज है, उन्होंने ब्रेक किया, उसके बाद 6-7 जगह पर वो न्यूज़ ब्रेक हो रही है। लेकिन ये न्यूज़ वो सेम न्यूज़ है लेकिन अपडेटेड वर्जन में, और इतनी खतरनाक वर्जन में ये न्यूज़ आई है कि सोचकर मतलब होश उड़ जाएंगे भाई, कि मतलब अगर ये हो गया ना भाई, ये लोग सब ना अपना चैनल बंद कर देंगे रे, ये चेंज ओवर, ये लोग सब चैनल ही बंद कर देंगे, क्योंकि डेली आकर कुत्ता बनना पड़ेगा ना वीडियो में, सड़ा सा मुंह लेके आके। अभी ये लोग कोई बोल रहा फेक कलेक्शन, ये लोग कितना रोएंगे तब, बहुत रोएंगे ये लोग तब, बहुत रोएंगे। मैं तो अभी, किसी ने कमेंट किया मेरे को, कमेंट सेक्शन में लिखा कि हाँ सबको पता है कितना फेक कलेक्शन। मैं बोला अरे तुम लोग इतने में इतना रो रहे हो, ये तो कुछ नहीं है। बाकी लोग सब बोल रहे पठान फोड़ दी पठान, मैं बोल रहा हूँ पठान में तो कुछ भी नहीं किया, तुम लोग क्या रो रहे हो इतना, तुम लोग इतने में तुम लोग रो दिए। अभी 3 महीने बाद एक कैंसर आ रहा है तुम लोगों के लिए, उसके 4-5 महीने बाद एक वो ट्यूमर आ रहा है तुम लोगों के लिए क्रिसमस के टाइम पे, तो कितना रोगे? अभी तो रोने का टाइम शुरू है। अभी वो वहाँ पे वीडियो बना के बोल रहा है टिकट हाउस काउंटर लोग खाली, शाहरुख खान काउंटर नहीं खोला है, काउंटर तो बाकी लोगों ने खोला है, बाकी लोगों ने काउंटर खोला है और डिस्ट्रीब्यूटर की लाश भी बिछा दी है। बोल रहा ना सूर्यवंशी ने काउंटर खोला है तभी जाकर शाहरुख खान तो अब भी है नहीं। वो फिल्म के बाद जितने भी जो है फिल्म आई है उन लोगों की, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर की लास्ट भी बिछा दी है, मतलब जो करंट का बिल है वो करंट का बिल का भी उनके ऊपर लोन डलवा दिया। वो भी मेंशन करो लोन डलवा दिया। तो सीन ये है कि भाई न्यू रिपोर्ट्स में ये थे कि विजय थलापति, विजय एंड SRK फुल फ्लेज्ड फिल्म, कोई कैमियो नहीं, फुल फ्लेज्ड फिल्म, 1000 करोड़ की बजट की फिल्म, वही अंडरवाटर फिल्म जो 2-2.5 साल पहले बात हुई थी ना जिसके ऊपर में, वही अंडरवाटर फिल्म, उसी के बेस पे, उसी के स्क्रिप्ट पे, कंटेंट पे, कॉन्सेप्ट पे ये फिल्म बनेगी। एंड इसमें थलापति विजयन शाहरुख खान को अप्रोच किया गया है, फिल्म आ नहीं रही, अप्रोच किया गया फॉर दिस फिल्म, 1000 करोड़ का बजट है। ऑब्वियसली शंकर बना रहे हैं तो वो अंडरवाटर सॉर्ट ऑफ सीक्वेंसेस अगर होंगे तो वो फिल्म 500-600-700-1000 करोड़ की लगे। भाई हज़ार क्या, मैं तो बोलता हूँ 2000 करोड़ का भी बना दो, लेकिन अगर ये सच हो गई ना भाई, ये सच हो गई ना, खत्म हो जाएगा। ये अब नंबर्स तब ऐसे रहेंगे ना कि मैंने किसी का कल किसका मैंने पीजे का ही वीडियो देखा था, पीजे का कि BNF टीवी का किसी का वीडियो देखा था, जिसमें कि वो लोग एस्टिमेट कर रहे थे कि जिस स्पीड में नंबर्स पठान ने बनाया उस स्पीड के नंबर्स में अगर आने वाले टाइम के अंदर इंडियन फिल्म्स, हॉलीवुड की फिल्म्स जो जितनी बड़ी बड़ी कलेक्शंस करती है, लाइक 5000 करोड़, 6-8000 करोड़ ऐसे ऐसे नंबर्स निकालती है, वो नंबर्स इंडियन फिल्म्स निकालने चालू कर दी गई पठान की स्पीड को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, बाकी फिल्म्स को एनालाइज करने के बाद। तो भाई अगर इस टाइप की फिल्म सब अभी बन रही है ना, और मैं बोलता हूँ दिस इज द ओनली टाइम टू यूटिलाइज 2 biggest सुपरस्टार ऑफ दिस नेशन प्रेजेंटली, एक सलमान खान, एक शाहरुख खान। ये 5-6 साल यूटिलाइज कर सकते हैं भाई, मतलब यूटिलाइज इन द सेंस कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाने की जिसको तोड़ना इम्पॉसिबल है, खत्म हो जाएगा। मतलब बॉलीवुड के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th सब में यही लोग रहेंगे। ये जो बहुत पहले होता था 2010-2012 में होता था, ये जो फाइनल अभी ये करेंगे बस यही रहेंगे, ये दोनों बंदे रहेंगे। तीसरा वाला का तो पता नहीं, वो शमशानगढ़ पहुँच चुका है फिल्म के माध्यम से,
कुछ कुछ भी कर रहा है वो, तो कुछ भी कर रहा है उसे छोड़ दो। मैं इसकी बात कर, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, यूटिलाइजिंग देम एंड यूटिलाइजिंग अ फिल्म मेकर लाइक शंकर और ये सब मिलके। अभी लोकेश कनगराज का भी सीन है भाई, टॉक्स लोकेश कनगराज के साथ भी हुआ, वेट्री मरन के साथ साथ भी हुआ है। ये तब हुआ था जब जवान की शूटिंग चल रही थी चेन्नई के अंदर, ये दोनों भी हुआ था, लोकेश कनगराज, वेट्री मरन, अटली, अब फिर शंकर। भाई दिस इज गोइंग टू बी बिगेस्ट, भाई बिगेस्ट। या आने वाले, ये 2023 कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग समझते नहीं हो, 2023 कुछ। मैं हमेशा से बोलता था कि ये तीन फिल्म लाइन से अगर हिट होती है ना तो एक फिल्म अनाउंस होगी, वो फिल्म थर्ड सीक्वल होगा किसी का, वो फिल्म अनाउंस होगी। वो फिल्म मैं बोल रहा था, लेकिन अभी कुछ छिछोरापंती चल रहा है उस फिल्म डॉन 3 की, मैं बात कर रहा हूँ खुल्लम खुल्ला, मैं बोलता हूँ वो फिल्म को लेकर पता नहीं कुछ छिछोरीपंती चल रही है वहाँ पर मेकर्स की तरफ से, किसी को कभी इसको कभी इसका नाम आउट हो रहा है, कभी उसको, जैसे कि मतलब कोई छपरी फिल्म हो। तो मैं वो सुनने के बाद मेरा मन तो उतर गया वो फिल्म से, वो सीक्वल से, मतलब मेरा मन ही उतर गया। दिस वॉज द परफेक्ट परफेक्ट टाइम टू अनाउंस दैट फिल्म, क्योंकि थम्स अप का एड वो कल लाया, मैंने ट्विटर में डाला डॉन के BGM के साथ में, भाई वो वीडियो खाली उठा कर देख लो, दिस इज द परफेक्ट टाइम भाई, परफेक्ट टाइम। ये पठान फिल्म नहीं है जिसमें हवा में उड़ना है, फैन सुन सान सुन सो, वो नहीं है, एक्टिंग क्लास एक्शन तीन है। तो वैसे ही भाई ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी न्यूज़ जो आ रही है, ये आती रहेगी, अब ये आती रहेगी, अब ये ऑफिशियल कन्फर्मेशन होकर भी आएगी। होम्बेल फिल्म्स वाला, होम्बाले फिल्म्स वाला जो मैंने बोला था वो तुम लोग देख लेना। अभी सीन क्या ना भाई, पूरा का पूरा फोकस है, एक फिल्म ऑल टाइम ग्रॉसर हो गई है, दूसरी को भी करेंगे, जैसी दूसरी करेगी ना उसके बाद अनाउंसमेंट होना चालू होगा, तुम लोग देख लेना। जैसी वो जवान ऑल टाइम ग्रॉसर बनेगी ना उसके बाद देखना तुम, एक एक करके देखना, अनाउंसमेंट्स होना चालू होंगे। और जब वो तीसरी फिल्म ऑल टाइम ग्रॉसर बनेगी ना उसके बाद देखना कौन सी फिल्म अनाउंस होती है। वीडियो यहीं पे रहेगा, मैंने 2 साल पहले भी एक वीडियो ऐसे ही बनाया था, वीडियो यहीं पे रहेगा बोला था, आज भी वीडियो वहीं पे, और आज 400 करोड़ पार कर दिया पठान ने, वो याद है ना, देखा होगा बहुत लोगों ने वो कमबैक वाला वीडियो। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ वीडियो यहीं पे रहेगा, तुम लोग देख लेना। ये सारी जो है ना, ये जो 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 सीक्रेट चीज़ें, ये सब खुलेगी भाई, एक एक करके खुलेगी, कोलैबोरेशन होंगे बड़े बड़े सुपरस्टार्स के। स्पाई यूनिवर्स तो अपने अलग ही बना रहा है वो तो पता नहीं, 2500 करोड़ का टारगेट करेगा, जिसमें तीनों स्टार्स होंगे ना, ऋतिक, सलमान एंड एसआर के तीनों जिसमें होंगे, वो तो 2500 करोड़ वर्ल्ड वाइड, वो तो छोड़ दो, वो तो भूल जाओ, वो तो ख़त्म है, वो तो ख़त्म है। पता नहीं चेन वाला वो नकली चेन पंखा में लटका के ऐसे उसमें लटक जाएगा, पता नहीं तब तो। होप्स हो कि भाई सही हो, 1000 करोड़ की बजट वो चिल्लर है वो फिल्म के लिए, क्योंकि वो फिल्म ग्रॉसर नहीं है, वो ऑल टाइम ग्रॉसर, इंडिया की ऑल टाइम ग्रॉसर फिल्म बनेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के अंदर से वो फिल्म 400-450 करोड़ निकाल लेगी। 450 करोड़ भी कम बोला भाई, 450-500 करोड़ सिर्फ तमिलनाडु के अंदर से वो फिल्म निकाल देगी, बाकी साउथ लैंग्वेजेस से निकाल लेगी, और हिंदी के अंदर तो खत्म, फिनिश। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वो बेल वाला बटन है उसको दबा के ऑल ऑप्शन दबाओ, तभी आकर आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, नहीं तो वीडियो आकर पड़े रह जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा।